Hey, what is up guys? This is Voice Region and in this video, I'm going to tell you that how basically I edit my photos using just my mobile phone. तो यार पिछले वीडियो में आप लोगों ने मेरी थोड़ी बहुत फोटोग्राफी स्किल्स देख ली थी, थोड़ा बहुत मैं भी अभी बिगनर लेवल पे हूँ, मैं सीख रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि यार फोटोज तो तुमने बहुत अच्छी खींची, बट जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि वो सारी की सारी फोटोज एडिटेड है। इनकेस अगर आपने मेरी फोटोग्राफी चैलेंज वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आई बटन में मैं यहाँ दे दूंगा, इस वीडियो के बाद आप उसको देख सकते हो। तो उसमें जितनी भी फोटोज थी वो सारी की सारी एडिटेड थी। अब वो सारी फोटोज मैंने लाइट रूम में एडिट की थी अपने मोबाइल में। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से अपने फोटोज को एडिट करता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरी फोटो एंड इस फोटो को मैंने मेरे फ्रेंड ने क्लिक किया था, आदित्य ने। सो आदित्य, अगर तुम इस वीडियो देख रहे हो तो शॉट आउट टू यू ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग सच एन अमेजिंग फोटो। एंड इस फोटो को मैं एडिट करने वाला हूँ। तो ये लाइट रूम मोबाइल है और ये फ्री वर्जन है, तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। तो जैसा कि आप लोग राइट साइड में देख सकते हो कि बहुत सारे स्लाइड्स हैं, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो है दैट इज ऑटो। तो यार गलती से भी लाइक मैंने आज तक कभी भी ये ऑटो प्रीसेट को यूज नहीं किया। आप देख सकते हो कि फोटो लाइक कितनी अजीब सी हो गई, डार्किश हो गई। तो ये ऊपर जो अंडू का ऑप्शन है उससे आप फोटो को अंडू, अपनी जो भी सेटिंग लगाते हो उसको अंडू कर सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं पहले में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। अब अगर आप कोई पोर्ट्रेट फोटो को वो करते हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ी सी जो डिटेल्स है वो मुझे दिखे। तो रही बात एक्सपोजर की, तो सबसे पहले एक्सपोजर को मैं लाइक थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। तो गाइस ये जो बेसिकली पूरा पैनल है ये आपका बेसिक कलर करेक्शन का है, जो बाकी की जो मैजिक होता है ना वो कलर ग्रेडिंग में आता है। तो बेसिक कलर करेक्शन आप एज इट इज कॉपी मत करना, ये आप अपने अकॉर्डिंग करना है, अपने फोटो के अकॉर्डिंग कितना आपको एक्सपोजर चाहिए, कितनी लाइट उसमें आ रही है, टोटली उस पर डिपेंड करता है। कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा सा कमी रखता हूँ तो कॉन्ट्रास्ट को -15 कर देते हैं। हाईलाइट्स, अब हाईलाइट्स का कहना, मैं हाईलाइट्स को हमेशा बढ़ा देता हूँ अराउंड 25। शेडोज को भी मैं बढ़ा देता हूँ अराउंड 10। एंड वाइट्स को मैं डिक्रीज कर देता हूँ। ये लाइक ये मेरे लिए तो हर बार लाइक बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, तो आप भी ट्राई करके देखना, हाईलाइट्स को बढ़ा देना, शेडोज को बढ़ा देना और वाइट्स और ब्लैक को डिक्रीज कर देना, ब्लैक ज्यादा नहीं अराउंड 10। ये रहा कर्व्स, तो कर्व्स यहाँ पे आपको व्हाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो इस फोटो में मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे कर्व्स को ज्यादा छेड़खाड़ करने की जरूरत नहीं है, तो कर्व्स को इस फोटो के लिए हम लोग रह देते हैं। अब बढ़ते हैं कलर की तरफ। अब यार आप अगर फोटो को ध्यान से देखोगे तो मुझे थोड़ा सा ना ग्रीनिश टिंट दिख रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन कर दूंगा -10। टिंट मुझे हल्का सा पिंकिश चाहिए 6। वाइब्रेंस को हम कर देते हैं, वाइब्रेंस को हम कर देते हैं 20। एंड सैचुरेशन थोड़ा सा मैं डाउन रखता हूँ सैचुरेशन को, तो हाँ अब ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, थोड़ा सा वाइटिश टोन आ रही है। अब गाइस ऊपर जो आप देख सकते हो कलरफुल बटन है, हम इसको क्लिक करेंगे और जितनी भी अर्बन स्टाइल के आप फोटोज देखते हो और फिर उसके बाद फलाने ढिमकाना अलग अलग प्रीसेट रहते हैं, वो सारे के सारे इसी में आते हैं। तो रही बात सैचुरेशन की, ह्यू सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, मैं सैचुरेशन को डिक्रीज करके देखता हूँ कि ये मेरे स्किन को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं। अब जैसे कि देख सकते हो ये वाला कलर मेरे स्किन को इफेक्ट कर रहा है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं इसका ह्यू हल्का सा 25 पे रखूंगा, सैचुरेशन 10 और ल्यूमिनस मैं इसकी बढ़ा दूंगा 20। तो हाँ अब ये थोड़ी सी क्लियर में जा रही है। और सेम चीज पहले हम सैचुरेशन देखेंगे, ये भी मेरे स्किन को इफेक्ट कर रहा है, इसको मैं हल्का सा माइनस पे रखूंगा ताकि थोड़ा रेडिश सा लुक आए। एंड ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे हम 30। येलो कुछ खास इफेक्ट नहीं कर रहा, बट नीचे आप देख लो अगर पेड़ पौधे हैं, हाँ तो अगर आप देख सकते हो तो ये येलो का जो सैचुरेशन है इसको इफेक्ट कर रहा है, तो मैं इनको पूरा ही डाउन कर दूंगा। तो गाइस जो लुक हम क्रेव कर रहे हैं वो लास्ट तक आप देखते रहना, आपको पता चल जाएगा। ग्रीन यहाँ यार ऑलिव ग्रीन की मैंने टी शर्ट भी पहनी है, तो लेट्स सी कि ग्रीन तो एज सच कुछ इफेक्ट डाल नहीं रहा है, तो ग्रीन को भी हम डाउन कर, इसको भी हम डाउन कर देते हैं पूरा। ब्लू ओके, ब्लू मेरे जीन्स और मेरे बैक को हल्का सा इफेक्ट कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा ह्यू रहने देते हैं, सैचुरेशन को बढ़ाते हैं अराउंड 20 एंड विल डिक्रीज द ल्यूमिनस ताकि वो एक डार्क लुक आए। अब आते हैं पर्पल पे, एंड इसका भी ऐसा कोई खास इफेक्ट नहीं है, पूरा ही डाउन कर दो। सैचुरेशन पिंक का भी कोई खास इफेक्ट नहीं है, पूरा ही डाउन कर दो।
जिस टाइप का फोटो आप चाहते हो, आप बेसिकली कौन से लुक को क्रेव कर रहे हो, आपका जो कलर करेक्शन है वो टोटली आपके डिजाइन पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का लुक चाहते हो। क्या आप पर्पल लुक चाहते हो, क्या आप थोड़ा सा येलो कलर्स को हाईलाइट करना चाहते हो, तो वो टोटली आप पे डिपेंड करेगा। रही बात ग्रेडिंग की, तो ये देखो यहाँ पे आप शेडोज वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। मैं थोड़ा सा इसको डाउन करूंगा, मेरे को थोड़ा सा डार्क लुक चाहिए, डार्क टोन चाहिए स्किन पे, मेरे को अच्छा लगता है। देन मिड टोन्स के साथ मैं ज्यादा खिलवाड़ नहीं करता हूँ। हाइलाइट्स को मैं कर दूंगा, बढ़ाने से हाइलाइट्स को मतलब नहीं है, हाइलाइट्स को कर देते हैं -40। ब्लेंडिंग ठीक है, बैलेंस थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हो गया माइनस में, तो हम माइनस कर देते हैं। एंड ओवरऑल ये जो आपका लास्ट वाला बटन है ग्लोबल, अब देखो यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ऊपर जो बटन दिख रहा है मैं इसको दबा दूंगा एंड यू ओवरऑल चेंज हो जाएगा। ये ओवरऑल ल्यूमिनेंस की बात है, तो हम ओवरऑल ल्यूमिनेंस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो पहले हमारी फोटो थी वो कुछ ऐसी थी, देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस आया, बस थोड़ा सा बेसिक कलर करेक्शन करने से। थोड़ा ग्रीनिश टिंट दिख रहा है, अब आपको ग्रीनिश टिंट दिख रहा होगा, एंड दिस इज द आफ्टर। ये थोड़ा सा मॉडल अर्बन टाइप का लुक में लिया, यू नो सब्जेक्ट के फेस को देख के करता हूँ। तो टेक्सचर को मैं क्या करता हूँ, मैं टेक्सचर को हल्का सा बढ़ा देता हूँ लाइक अराउंड 20, एंड मैं क्लैरिटी को डिक्रीज कर देता हूँ अराउंड 8। अब डीएस जो है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं आपके पूरे के पूरे इमेज को, ये थोड़ा सा व्हाइटिश ब्लैकिश बहुत कॉन्ट्रास्ट को डाउन कर देगा और बढ़ाने से एकदम ही बढ़ जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा डार्क लुक चाहिए, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं अराउंड 5 रखूंगा। और ये जो आपका विग्नेट है, ये ही तो पूरे के पूरे आपके फोटो में एक सिनेमैटिक लुक देता है। अगर मैं विग्नेट को बढ़ा दूं अराउंड 50, यार देख रहे हो क्या लुक आ रहा है। मिड पॉइंट मेरे को चाहिए थोड़ा सा, एंड फेदर पूरा ही कर दो 75। राउंडनेस को मैं हल्का से कम कर दूंगा, क्योंकि अगर आप नीचे देखोगे तो मेरा बैक भी एक अच्छा सेकेंडरी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा बैक यू नो खराब सा हो जाए। अब लास्ट स्टेज है शार्पनिंग का, कि कलर करेक्शन करते करते या कभी कभी आपके ओरिजिनल रॉ फुटेज में जेपीईजी फुटेज में भी शार्पनेस नहीं रहती, तो आप यहाँ से यू नो थोड़ा सा शार्पनेस ऐड कर सकते हो। शार्पनेस में ज्यादा ऐड नहीं करता, अराउंड मैक्स टू मैक्स 20, या फिर अगर लैंडस्केप वगैरह रहते हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा 35-40 तक चला जाता हूँ। उससे ज्यादा शार्पनेस में ना अजीब सा ये दिखने लगता है। एंड डिटेल्स को मैं इसमें हल्का सा कम कर देता हूँ, नॉइज रिडक्शन को हम कर देते हैं 15, एंड इसके बाद आता है कलर नॉइज रिडक्शन, इसको मैं बढ़ा कर देता हूँ 20। कलर नॉइज रिडक्शन में मैं क्या करता हूँ, मैं स्मूथनेस को 50 रहने देता हूँ, मैं डिटेल्स को 30 कर देता हूँ। तो गाइस ये रहा आपका पूरा का पूरा फाइनल लुक जो कि आया है, आप देख सकते हो शार्पन भी है पूरी तरीके से इमेज। एंड ये था आपका बिफोर, जिसमें बहुत ही ज्यादा ग्रीनिश का टेंट था और कुछ खास थी नहीं, हालांकि फोटो बहुत अच्छी क्लिक हुई है, बट कलर करेक्ट करना फोटो को इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर आप अपने फोटो को इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हो। एंड दिस इज द आफ्टर, एंड मेरे को तो यार बहुत पसंद आ रहा है। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, दिस इज हाउ आई बेसिकली एडिट माई फोटोज यूजिंग लाइट रूम। मैं अपने सारे फोटोज को लाइट रूम पे एडिट करता हूँ, फिर चाहे वो थंबनेल्स वगैरह हो। थंबनेल वगैरह मैं 3-4 एप्स का यूज करके करता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो यार कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। और अगर आपको और भी कोई ट्यूटोरियल चाहिए रिलेटेड टू फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग, तो जरूर कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Outro bangla rap cholbe na ki chondo bora chora likhi cosplay platter top loaded baranda te diye unki dekhi baire talent chal porti shopish mal roz dekhi posti dai bawal hoy bip